नमस्कार, मैं प्रिया धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को आज उस समय हिरासत में ले लिया गया जब वो एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे और सड़क पर बैठ गए थे। वहीं आज उनकी मां सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रहा था। कीमतों में वृद्धि से लेकर जीएसटी और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग समेत कई मुद्दों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे और कई पुलिसकर्मियों से घिरे थे। पूरे देश में आज कारगिल विजय दिवस की याद में मनाई जा रही है। 23 साल बाद आज ही के दिन सरहद पर भारत के वीर जवानों ने प्राणों की आहुति देकर पाकिस्तानी सेना से विजय हासिल की थी और कारगिल टाइगर हिल पर अपना तिरंगा लहराया था। आज इस मौके पर देश भर में वीर सपूतों को याद किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर सपूतों को नमन किया है। आधार कार्ड आजकल के समय में सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है। भारत में किसी भी जरूरी काम को निपटाने के लिए इस दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। स्कूल कॉलेज के एडमिशन से लेकर आईटीआर फाइल करने, ज्वेलरी खरीदने से लेकर सरकारी स्कीम का फायदा उठाने तक हर काम के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में आजकल इस जरूरी दस्तावेज का डुप्लीकेशन बहुत तेजी से बढ़ गया है। महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली रीना छिब्बर वर्मा पाकिस्तान के रावलपिंडी के अपने पुश्तैनी घर का दौरा कर सोमवार को भारत लौट आई है। वो सोमवार को बाघा बॉर्डर से होते हुए भारत पहुंची। भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी ने मंगलवार को अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनियां कभी भी भारत में इन्वेस्ट करने से हिचकती नहीं है और ना ही देश में निवेश की रफ्तार को कम होने दिया गया है। स्टार भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ओरेगन में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के दौरान लगी चोट के कारण बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना पहला ट्वीट कारगिल दिवस पर शहीदों के नाम किया। अपने ट्वीट में उन्होंने शहीदों को नमन करते हुए देश का सर्वोच्च पद संभालने के बाद मुर्मू की तरफ से ये पहला ट्वीट किया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उद्धव ने इस बार हिंदुत्व को लेकर भाजपा पर तंज कसा। शिवसेना प्रमुख ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर हमने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया तो हमने हिंदुत्व छोड़ दिया, फिर मुफ्ती मोहम्मद और महबूबा मुफ्ती के साथ जाकर आपने क्या छोड़ा था। अगर आप बैंक में नौकरी की चाहत रखते हैं तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है। नैनीताल बैंक में मार्केटिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो बैंक की आधिकारिक वेबसाइट nainitalbank.co.in पर जाकर पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के आराम के दिन अब खत्म हो गए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए वो त्रिनिदाद पहुंच चुके हैं। रोहित के साथ ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक भी त्रिनिदाद पहुंचे। अगर आप प्रभु श्री राम से जुड़े धार्मिक स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं तो IRCTC के श्री रामायण यात्रा टूर पैकेज का लाभ उठा सकते हैं। इस टूर पैकेज की शुरुआत इंडियन रेलवे ने इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर की। इस टूर पैकेज में भारत गौरव नाम की एक टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी जिससे आपको देश के विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के लिए पूरे 20 दिन और 19 रात का समय लगेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजधानी दिल्ली में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस बीच तीनों सेना प्रमुख थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कारगिल दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि दी। समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को राजनीतिक रूप से अपरिपक्व करार देते हुए कहा कि अगर वो उन्हें पार्टी विधानमंडल दल से निकालकर मुक्ति दे देते तो बेहतर होता। 5G स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी प्रक्रिया मंगलवार को सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है। शाम 6 बजे तक बोली लगाई जा सकती है। नीलामी प्रक्रिया का आगे भी जारी रहने वाली बोलियां और बोलीकर्ताओं की रणनीति पर निर्भर करेगा। स्पेक्ट्रम नीलामी के इस दौर में 5G के लिए मौजूदा दूरसंचार सेवा प्रदाता रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के अलावा गौतम अडानी की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस भी बोली लगाने वाली है। नीलामी में रिलायंस जियो भारतीय एयरटेल दौरे में सबसे आगे है। भारतीय जनता पार्टी के नेता वरुण गांधी ने मंगलवार को गंगा नदी में प्रदूषण का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार से सवाल किया है कि नमामि गंगे पर योजना के तहत 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के बावजूद वो जीवनदायिनी नदी प्रदूषित क्यों है और इसकी जवाबदेही किसकी है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू से करारी हार का सामना करने के बाद यशवंत सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि वो किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे। कोरोना जैसे भयंकर महामारी से देश अभी उभरा भी नहीं था कि दूसरी खतरनाक बीमारी मंकी पॉक्स ने देश में दस्तक दे दी है। साथ ही ये पूरी दुनिया में दहशत पैदा कर रही है। मंकी पॉक्स के अब तक 75 देशों में 16,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हो चुकी है जो कि एक चिंताजनक बात है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इसी साल होने वाले गुजरात विधानसभा की तैयारियों में जुट गए हैं। मंगलवार को जब वो गुजरात के विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर पहुंचे तो नए ही रूप में नजर आए।
सावन मास में केदारनाथ धाम में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है और मॉनसून सीजन के बावजूद धाम आने वाले तीर्थयात्रियों में इजाफा हो रहा है। प्रत्येक दिन 10 से 12,000 भक्त बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। केदार नगरी में भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है। भक्तों को काफी इंतजार के बाद बाबा के दर्शन हो रहे हैं। पूरी केदार नगरी इन दिनों जय केदार के उद्घोष से गुंजायमान है। कांवड़ियों के साथ अन्य श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जब से ललित मोदी और सुष्मिता सेन के डेटिंग की खबरें सामने आई है, तब से चारों तरफ लोगों के अलग अलग रिएक्शन छाने लगे हैं। कहीं मीम्स की बहार है तो कहीं सुष्मिता की अफेयर्स की हिस्ट्री वायरल होने लगी है। ऐसे में अब खुद ललित मोदी ने एक पोस्ट के जरिए उन्हें ट्रोल करने वालों पर तंज कसा। ललित मोदी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है। जेवर एयरपोर्ट की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है। एयरपोर्ट को चमकाने के लिए उसके आसपास के गांवों को चमकाने के प्लान पर काम चल रहा है। एयरपोर्ट पर आने वाले देश विदेश के यात्री गांव की खराब इमेज ना लेकर जाए, इसके लिए जेवर एयरपोर्ट के जद में आने वाले गाँव पर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च की जाएगी। राज्यसभा में हंगामे और सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित करने पर उच्च सदन के उप सभापति हरिवंश ने मंगलवार को विपक्ष के 19 सांसदों को 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया है। निलंबित होने वाले सदस्यों में टीएमसी, टीआरएस, डीएमके, सीपीआई के सदस्य शामिल हैं। हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ उप सभापति ने नियम 256 के तहत कार्रवाई की है। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट साल 2021 में यात्रियों की संख्या फुटबॉल के मामले में दुनिया का 13वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बन गया है। आईजीआई ने पिछले साल के मुकाबले इस साल 3 स्थान की छलांग लगाई है। 2020 में आईजीआई फुटबॉल के मामले में 16वें स्थान पर था। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साह को पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सबसे बड़े सम्मान बंग भूषण से सम्मानित किया है। उन्हें यह सम्मान 25 जुलाई को राजधानी कोलकाता के नजरुल मंच पर आयोजित एक समारोह में दिया गया। उन्हें यह सम्मान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया। मोदी सरकार देश के गरीब और आर्थिक वर्ग के लोगों के लिए कई तरह की स्कीम लेकर आती रहती है। उन्हीं में से एक स्कीम का नया नाम है ई श्रमिक कार्ड योजना। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन को कारण करोड़ों लोगों के रोजगार चले गए थे। सबसे ज्यादा असर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर पड़ा है। लोगों को मजबूरी में अपने घरों को जाना पड़ा। ऐसे में सरकार ने इन लोगों की मदद करने के लिए साल 2020 में ई श्रमिक कार्ड योजना की शुरुआत की। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पैसा जमा करने आए सीएमएस कर्मी के पास से जाली नोट बरामद हुआ। आनंद फानंद में बैंक के कर्मचारी ने पुलिस को इसकी सूचना दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लेती देखी गई और घटना की छानबीन कर रही है। अमेरिका में एक बार फिर से आर्थिक मंदी की आशंका को लेकर डर का माहौल है। कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जीडीपी के आंकड़े आने से पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन मंदी की परिभाषा को ही बदलने पर काम करने में लग गए हैं। बाइडेन को डर है कि जीडीपी के आंकड़ों में आर्थिक गिरावट के संकेत मिल सकते हैं। इस बीच बाइडेन ने सोमवार को कहा है कि उन्हें इस बात की अपेक्षा नहीं है कि अमेरिका आर्थिक मंदी का सामना करेगा। बिहार में पहली बार भाजपा के 7 मोर्चों की संयुक्त बैठक हो रही है। ये बैठक 30 और 31 जुलाई को 2 दिवसीय होगी। इसको लेकर जोरों से तैयारी चल रही है। बैठक का उद्घाटन 30 जुलाई को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे, जबकि इसका समापन 31 जुलाई को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह करेंगे। इसके लिए जेपी नड्डा और अमित शाह बिहार आ रहे हैं। राजनीति में जो अब तक कभी नहीं हुआ वो नवादा जिले में देखने को मिलने वाला है, जब भाजपा और कांग्रेस के विधायक ने एक साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है। इन दोनों विधायकों में एक तरफ जिले के हिसुआ से कांग्रेस विधायक नीतू सिंह है, वहीं दूसरी तरफ वारसलीगंज से भाजपा विधायक अरुणा देवी है। दोनों विधायक एक साथ बिहार सरकार के अधिकारियों के काम पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही स्थिति में सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दे चुकी है। वैशाली के थाई वट मंदिर परिसर में आयोजित अखिल भारतीय कुशवाहा सम्मेलन में राजद शासनकाल में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में भाजपा नेता वसावन प्रसाद भगत ने कहा है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, इसलिए ऐसे लोगों को समाज में सम्मान नहीं दे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है भगवान मिश्रा, नुनू कुमार, कमला अग्रवाल, संजीत कुमार, गौतम कुमार, संजय कुमार, महेश यादव, सुधीर कुमार यादव, राकेश कुमार गुप्ता, काजल कुमारी, रोशन भास्कर। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कारगिल दिवस पर आप सेना को आज क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।